हेलो दोस्तों, बालमुकुंद राम ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ दीपावली का रंगोली। आज हम लोग किस तरह दीपावली के अवसर पर एक रंगोली बनाए हैं, आज इसी पर ब्लॉग है, पूरा ट्यूटोरियल की तरह है, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, हम एक पिकॉक का रंगोली बनाएंगे जिसमें हम एक सुंदर सा परफेक्ट सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक वायर का। देखिए किस तरह से मेजरमेंट लेके मैं इसको सर्कल बना रहा हूँ। अच्छे से सर्कल बनने के बाद हम उसको पूरा स्केचिंग करेंगे पिकॉक का। सर्कल बनने के बाद में चार सर्कल बीच में छोटा छोटा बनाया हूँ, जो कि एक पांव का डिजाइन बनेगा। और अभी बन रहा है सामने की ओर पिकॉक का हेड। हेड बनने के बाद अब बनाऊंगा मैं उसका पंख। चारों ओर ये पंख बनाए जाएंगे। चारों ओर पंख बनने के बाद इसमें रंगोली भरी जाएगी। दोस्तों, अब स्केच कंप्लीट हो गया, अब इसमें रंगोली भरी जाएगी। सुंदर ही स्केच बना है, अब इसको डिजाइन करने का बारी है। अब बीच में सफेद भरा जा रहा है, सफेद रंगोली। दोस्तों, जहां रंगोली बना है वहां पर का फर्श का सतह थोड़ा खुरदुरा है, इस वजह से थोड़ा रंगोली उतना फाइन नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि अच्छी तरह से रंगोली बनाया जाए और दिखने में अति सुंदर लगे। कोशिश जारी है। ये डिब्बा को ले रही हूँ ना दीदी, डिब्बा को ली हूँ। अब ऑरेंज कलर चढ़ने के बाद में इसमें शेडो बनाएंगे, थोड़ा येलो कलर डालेंगे बीच में, जहाँ बची हुई है जगह वहाँ पर। रंगोली को एक डिब्बे में पैक कर उसको बारीकी से झिड़का जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। रंगोली बनाने का ये नेट है, छोटा सा डिब्बा, तो इसी से भरा जाएगा पूरा येलो कलर का रंगोली।
बताओ। अच्छा लग रहा है? बोलो। अच्छा लग रहा है। यहाँ बना रहे हो? बन गया। दोस्तों अब पीला कलर चढ़ने के बाद यहाँ पर भरा जा रहा है रेड कलर का, जो कि बीच में चार डॉट थे वहाँ पर, ये पैर के लिए बनाया जा रहा है। स्केचिंग तो करके आया हूँ, इतना देर में दो तीन को बनवाए ना हम यहाँ पर जिस डॉट का बात कर रहा था वहाँ पर पैर बनाई गई है और पिकॉक का सिर वाला हिस्सा को पूरा कलर से भरा गया है। अब उसका जो मेन पंख है उसको डिजाइन किया जा रहा है। क्या कलर? सारा ही कलर कुछ बनाए कि बताओ तो इधर कुछ बनाए रंगोली? हाँ बोलो ना। हाँ। तो फिर खराब कर रही है। क्या कर रही हो नदी? क्या लगते हैं? दोस्तों अब मैं भी रंगोली भरता हूँ। मैं पिकॉक का जो पंख है उसको मैं डिजाइन करूंगा और उसके लिए मैं ग्रीन कलर निकाल रहा हूं, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन निकालने के बाद मैं उस पंख के हिस्से में डालूंगा। अब लाइट ग्रीन को मैं भरना शुरू कर दिया हूँ पंखों पर। अब देखिए मैं किस तरह से डिजाइन करता हूँ। अब सतह तो खुरदुरी है, तब भी कोशिश किया जा रहा है कि थोड़ा फाइन किया जाए। पहले तो मैं हल्की हल्की भरूंगा, कहे कि कलर पूरे ना पूरे कोई गारंटी नहीं है, इस वजह से थोड़ा कम ही डाल रहा हूँ। पूरे पंख में आधा आधा डाल लेने के बाद में इसको पूरा फिलअप किया जाएगा, बढ़िया से फाइन किया जाएगा। तो फिलहाल अभी मार्किंग कर रहा हूँ ग्रीन से।
दोस्तों अब रंगोली 75% तो लगभग तैयार हो गया है, और इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद का आप लोग देखिएगा। फिलहाल अभी दूसरे खाने में ग्रीन डार्क ग्रीन भर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा ना भूलिएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पर भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए वीडियो को देखिए। हेलो हेलो गिरा दी थी अभी पापा जी ने फोन को। देखिएगा उधर जलेंगे तो जलेंगे, ये नहीं जलेगा तो मच्छर भी पूरा परेशान कर। मच्छर जल जाता तो उसका पूरा हम लोग का खून निकल जाता। दोस्तों अब रंगोली कंप्लीट हो गई है, लगभग कुछ ही हिस्सा में बाकी है, तो आप देखिए कि फाइनल होने के बाद किस तरह दिख रहा है रंगोली हमारा। और अभी दीपावली चल ही रही तो ब्लॉग बहुत आएगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा और चेक करते रहिएगा सर्च कर करके। चलिए बाय बाय।